दर्शकों, गुजरी कार्निवल में अभी हमारे पास खड़े हैं रणदीप चौहान जी। रणदीप चौहान साहब एक नायाब चीज़ अभी हमें दिखाने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। इन्होंने यहाँ अपनी एक स्टॉल लगाई है गुजरी कार्निवल में। तो चौहान साहब, क्या चीज़ आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं, ज़रा बताएं। साहब, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो हमारी धरोहर है और कई सौ साल पुरानी है और जो अब लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, जिसके दर्शन मात्र हमें या तो YouTube पे या ऑनलाइन दिखते हैं, पर मैं आज वो आपको साक्षात तौर पर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ है, आप जरा दिखाएं। ये साहब वो कॉइन्स हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के मीर बोध जी के कॉइन्स हैं। अच्छा, ये मीर बोध जी के टाइम के कॉइन्स हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, जरा एक बार दिखाएं क्लोज करके। ये रणदीप चौहान जी जो दिखा रहे हैं, ये गुजर प्रतिहार मिहिर भोज के टाइम की ये करेंसी है और इस पे उनका वराह का चिन्ह भी है। तो ये आपके पास सिक्के मतलब कहाँ से आए, कैसे, मतलब कोई पेरेंटल आपके पास थे या कैसे? साहब, ये हमारी धरोहर है और जो हमारे पास है, और ये हमारे पास लगातार वर्षों और सालों से चलते आ रहे हैं और ये आज हमारे परिवार के पास हैं, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। लगभग ये तो 836 के मतलब ये 1000 साल से भी ऊपर का। बिल्कुल ठीक, ये लगभग हजारों साल पुराने कॉइन्स हैं जो नाग भट्ट जी के टाइम पर, जब हमारे समाज का केंद्र कन्नौज में होता था उत्तर प्रदेश में, ये जब के वो कॉइन हैं और इनके लिए जब ये वेजिस के तौर पर हमारे राजा महाराजा दिया करते थे, तो ये वो ही ओरिजिनल कॉइन्स हैं जिन पर वराह का चिन्ह भी आप देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट के प्राथमिक विभाग है, उसके पास भी सच के कॉइन्स हैं अभी, वो तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन आपके इसमें तो काफी yes. दिख रहा है। जब आप उनको संग्रहालय में देखने की कोशिश करोगे तो उन पे ये वराह का चिन्ह बहुत स्पष्ट तौर से नजर नहीं आता है, खाली लिखा हुआ है प्रतिहार मीर भोज वंश, पर ये आप इसमें, मैं आपको जो कॉइन्स दिखा रहा हूँ, इसमें वराह का चिन्ह बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर से देखने को मिलता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉइन्स है। एक बार देखें आप, ये लगभग 1200 वर्ष पहली जो है करेंसी है सम्राट मिहिर भोज के टाइम की। रणदीप चौहान जी ने इसको संग्रह करके रखा हुआ है, अपने आप में बड़ी नायाब चीज़ है। ये एक साम्राज्य और राज्य की पहचान को दर्शाता है। आपने एक अमूल्य धरोहर अपने पास रखी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, धन्यवाद साहब। हमारे दर्शकों ने भी इतनी पुरानी ये करेंसी देखी। चलिए, गुजरी कार्निवल में आप लोग बड़ी नायाब नायाब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जिससे कि समाज के जो नए युवा हैं, जनरेशन है, उनसे सबक लेंगे, सीखेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों, गुजरी कार्निवल में अभी हमारे पास खड़े हैं रणदीप चौहान जी। रणदीप चौहान साहब एक नायाब चीज़ अभी हमें दिखाने वाले हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। इन्होंने यहाँ अपनी एक स्टॉल लगाई है गुजरी कार्निवल में। तो चौहान साहब, क्या चीज़ आप हमारे दर्शकों को दिखाने वाले हैं, ज़रा बताएं। साहब, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो हमारी धरोहर है और कई सौ साल पुरानी है और जो अब लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, जिसके दर्शन मात्र हमें या तो YouTube पे या ऑनलाइन दिखते हैं, पर मैं आज वो आपको साक्षात तौर पर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ है, आप जरा दिखाएं। ये साहब वो कॉइन्स हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के मीर भोज जी के कॉइन्स हैं। अच्छा, ये मीर भोज जी के टाइम के कॉइन्स हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, जरा एक बार दिखाएं क्लोज करके। ये रणदीप चौहान जी जो दिखा रहे हैं, ये गुजर प्रतिहार मिहिर भोज के टाइम की ये करेंसी है और इस पे उनका वराह का चिन्ह भी है। तो ये आपके पास सिक्के मतलब कहाँ से आए, कैसे, मतलब कोई पेरेंटल आपके पास थे या कैसे? साहब, ये हमारी धरोहर है और जो हमारे पास है, और ये हमारे पास लगातार वर्षों और सालों से चलते आ रहे हैं और ये आज हमारे परिवार के पास हैं, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। लगभग ये तो 836 के मतलब ये 1000 साल से भी ऊपर का। बिल्कुल ठीक, ये लगभग हजारों साल पुराने कॉइन्स हैं जो नाग भट्ट जी के टाइम पर, जब हमारे समाज का केंद्र कन्नौज में होता था उत्तर प्रदेश में, ये जब के वो कॉइन हैं
और इनके लिए जब ये वेजिस के तौर पर हमारे राजा महाराजा दिया करते थे तो ये वो ही ओरिजिनल कॉइन्स है जिन पर वराह का चिन्ह भी आप देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के जो प्राकृतिक विभाग है उसके पास भी सच के कॉइन्स है अभी, वो तो कम दिखाई देते हैं लेकिन आपके इसमें तो काफी अच्छे से दिख रहा है। जब आप उनको संग्रहालय में देखने की कोशिश करोगे तो उन पे ये वराह का चिन्ह बहुत स्पष्ट तौर से नजर नहीं आता है, खाली लिखा हुआ है प्रतिहार मीर भोज वंश, पर ये आप इसमें मैं आपको जो कॉइन्स दिखा रहा हूँ इसमें वराह का चिन्ह बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर से देखने को मिलता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉइन्स है। एक बार देखें आप, ये लगभग 1200 वर्ष पहली जो है करेंसी है सम्राट मिहिर भोज के टाइम की। रणदीप चौहान जी ने इसको संग्रह करके रखा हुआ है, अपने आप में बड़ी नायाब चीज़ है। ये एक साम्राज्य और राज्य की पहचान को दर्शाता है। आपने एक अमूल्य धरोहर अपने पास रखी हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। धन्यवाद साहब। हमारे दर्शकों ने भी इतनी पुरानी ये करेंसी देखी। चलिए, गुजरी कार्निवल में आप लोग बड़ी नायाब नायाब चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिससे कि समाज के जो नए युवा हैं, जनरेशन है, उनसे सबक लेंगे, सीखेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार, थैंक यू। ये आपके पास है, हमारे धरोहर हमारे पास, देखो हमने अपनी धरोहर संगो के रखी हुई। बहुत बढ़िया, पुरातत्व विभाग में इनको पेश करवा दो। हाँ, उनके पास तो है जी, ये झज्जर उसमें रखे हुए हैं पर वो इतने स्पष्ट तौर पे नजर नहीं आते जितने ये स्पष्ट तौर पे नजर आते हैं। देखो ये उल्टा पकड़ा हुआ है जी, 836 विधायक जी, उस दिन मैंने फोन पे बताया था जी, ये अपनी धरोहर अपने पास है। देखो जी कितने सम्मान की बात है। हाँ देखो जी, हमारे पास दबी हुई है, निकाल के लाओ भाई। रणका जी एक बार आपको जरूर, सम्राट मिहिर भोज के टाइम का है सिक्का।